आखिरी वनडे मैच पाकिस्तानी टीम में चेंजेस। नंबर वन ओपनिंग बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड इमामुल हक बाहर नजर आएंगे क्योंकि कोई टेक्निक नजर ना आई इनकी इंग्लिश कंडीशंस के अंदर। इन स्विंग भी नहीं खेल पा रहे, आउट स्विंग भी नहीं खेल पा रहे। पहले मैच में इन स्विंग पे आउट हुए, दूसरे पे आउट स्विंग पे आउट हुए। सो इनकी जगह अब मिडल ऑर्डर बैट्समैन पाकिस्तानी टीम के साबिक कप्तान विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद लेंगे। आप अक्सर जानते हैं कि जब पाकिस्तानी टीम आउट हो जाती है सीरीज से, सीरीज डेड हो जाती है, आखिरी मैच होता है, तो मजबूरन सरफराज अहमद को चांस दिया जाता है। हर दफ़ा ऐसे हुआ और अब एक दफ़ा फिर इनको एज ए मजबूरी के तौर पे आखिरी मैच दे दिया जाएगा। ये मिडल ऑर्डर के अंदर बैटिंग करेंगे। नेक्स्ट चेंज, इस वक्त के सबसे बदतरीन ओडीआई बॉलर पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ। वसीम अकरम ने कहा कि मैं इनको मानते ही नहीं हूँ बॉलर ओडीआईस का, ये ओडीआईस के बॉलर हैं ही नहीं, इनके पास कुछ भी नहीं है, इनको ओडीआई से जल्दी आउट करें वरना आपके जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड और बॉलिंग का स्टैंडर्ड है वो और ज़्यादा डाउन होता जाएगा। सो इनकी जगह यंग फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन शामिल होंगे। मोहम्मद हसनैन की पीएसएल में भी अच्छी फॉर्म रही, ओवरऑल अच्छे बॉलर हैं, मगर हमेशा इनको आखिरी मैच दिया जाता है जब पाकिस्तानी टीम आलमोस्ट सीरीज़ ख़त्म हो चुकी होती है, सीरीज़ हार चुकी होती है पाकिस्तानी टीम। सो एक दफ़ा फिर मोहम्मद हसनैन एक डेड मैच में आएंगे जिससे सीरीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस मैच का। नेक्स्ट चेंज, आर राउंडर शदाब खान। जी हाँ, आर राउंडर मेरे मुंह से बहुत मुश्किल से निकला है क्योंकि यूज़ नहीं करना चाहिए इनके लिए, ना इनसे बैटिंग हो रही है ना बॉलिंग हो रही है, और फील्डिंग में भी 100% क्योंकि अब इनकी इंजरीज की वजह से इनकी फील्डिंग भी काफ़ी हद तक डाउन हो चुकी है। सो इनकी जगह पाकिस्तान के ऑफ स्पिनर और आर राउंडर कह सकते हैं आप मोहम्मद नवाज़ शामिल होंगे। थैंक्स।